अब रुख करेंगे जैकबाबाद का, जहां पसमांदा इलाके में तलीम की अहमियत को उजागर करने के लिए रजा अकेडमी का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों समेत मुअज्जिज़ीन मेहमानों ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने रेड न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। करीब हुई है, हमें इंतहाई खुशी हुई है। हमारा ओबीडेंट ये स्टूडेंट रहा है, इसलिए इसकी जो छोटी सी कोशिश है, इंशाल्लाह हम दुआगुए हैं अपने इस प्यारे स्टूडेंट के लिए। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं, यो जैकबाबाद हमारा पसमंदा इलाका है, तालीम के लिहाज से तकरीबन बहुत पीछे है। इसमें ये सर तालीम जेका है, जैकबाबाद में बहुत सारे सेंटर अब भी काम कर रहे हैं, और जैकबाबाद की तालीम जो है वो अगर आप देखें, कंपेयर करें शिकारपुर से या और डिस्ट्रिक्ट से, तो हमारी जो परसेंटेज जाती है वो CPN ज़्यादा जाती है। तो ये भी बच्चे हमारे ही स्टूडेंट हैं और ये शुरुआत कर रहे हैं, एक नया पौधा बो रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं इनके साथ हैं और बहुत खुशी है हमें। अल्लाह इनको पहले तो गवर्नमेंट सर्विस दे, ताकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ में आपको नॉलेज के साथ साथ टैलेंट और इंस्पायरेशन की पोजीशंस भी मिलेंगी, जहां से आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। और यहां पर हमने जो भी क्लासेस रखी हैं, फिज़िक्स की हो एज़ वेल एज़ इंग्लिश की हो, उनमें आपकी मुनासिब जो फीस है और उसके साथ आपको इंशाल्लाह बहुत सारा अच्छा एक फ्यूचर मिलेगा और एक अच्छा मटेरियल मिलेगा, जिससे आप अपना फ्यूचर जो है ब्राइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये जो दोस्तों ने रज़ा अकेडमी सेंटर खोला है और जैकबाबाद में तालीम यहाँ पर बहुत पीछे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो ये सेंटर खुला है इसमें बहुत अच्छे टीचर हैं। हमारे सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, तो आप ज़रूर ये रज़ा सेंटर को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह इनके पढ़ने से इंशाल्लाह आपका तालीम बहुत अच्छा होगा।